दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, ये ऐप स्नैपसीड ये गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ये एक फ्री ऐप है जो फ़ोटो प्रोसेसिंग या फ़ोटो एडिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और मैं इसे ऑलरेडी अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस तरह इस ऐप से कुछ बेसिक एडिटिंग किया जाता है। ये मैंने ऐप को खोल लिया है, और अब ये जो प्लस का साइन दिख रहा है, इस पर अगर मैं टच करूं तो ये सीधा मुझे फ़ोटोज़ पे ले जाएगा। मैं गैलरी खोल सकता हूं, और गैलरी खोलने के बाद मैं एक एल्बम है फ़ोटोज़ फॉर प्रोसेसिंग, ये खोलता हूँ। और इसमें मैंने दो फ़ोटो रखे हैं, जिसमें से मैं एक फ़ोटो अभी स्नैपसीड में खोल रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक लेक का फ़ोटो है, और स्नैपसीड में आप एक फ़ोटो को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। उसके लिए आप दो उंगली एक साथ टच करके, स्क्रीन पे टच करके, पिंचिंग करके जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। तो मैं अभी जूम इन किया हूँ, आप देख सकते हैं कि लेक के पानी पे कुछ बर्ड्स तैर रहे हैं, कुछ उड़ रहे हैं। ये फ़ोटो मैंने नागपुर के पास ही जो अंबाझरी लेक है, उस लेक पे लिया था, और सुबह हो रही थी। मैं वहाँ सुबह सुबह पहुँच गया था, और मुझे बहुत सुंदर सुबह का जो गोल्डन रेज आता है सन का, उसमें बर्ड्स तैर रहे थे, उसके फ़ोटो मिला था। तो इस वैसे तो ये फ़ोटो बहुत काफ़ी सुंदर है, पर इसको मैं प्रोसेसिंग करके थोड़ा और इसमें एक पंच देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं इस आज के वीडियो में कुछ बेसिक टूल्स और बेसिक पिक्चर स्टाइल्स के बारे में बताऊंगा। तो इसमें आप देख रहे हैं, एकदम राइट साइड में जो सिंबल्स, जो आइकॉन्स हैं, उसमें सबसे ऊपर जो आइकॉन है, ये इस पर जो अगर आप टच करते हो तो बहुत सारे पिक्चर स्टाइल्स आपको दिखते हैं। ये पिक्चर स्टाइल्स जो है प्रीसेट की तरह है, तो कुछ सेटिंग्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। और इस पर अगर मैं टच करता हूँ कोई भी इस पिक्चर स्टाइल पे, तो जिस तरह का वो स्टाइल है, जिस तरह के सेटिंग्स है, वो अपने आप उस फोटो पे यूज़ हो जाता है या अप्लाई किया जाता है। तो जैसे अभी मैंने स्मूथ पे टच किया, अगर मैं एक्सेंचुएट पे टच करता हूँ तो देखिए, ये थोड़ा सा वक्त लगता है, ये सेटिंग्स को अप्लाई कर रहा है, वो अपने आप वो सेटिंग्स अप्लाई कर दिया है। तो ये हो गए कुछ प्रीसेट्स या पिक्चर स्टाइल्स जो रेडीमेड सेटिंग्स है। और इसमें अगर आप अलग अलग पिक्चर स्टाइल्स ट्राई कर सकते हो, अगर इसमें से कुछ आपको पसंद आ गया और आप उसी को फाइनलाइज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ आप टूल्स यूज़ करके अपने हिसाब से फ़ोटो को प्रोसेस कर सकते हो। तो मैं इसे खुद के हिसाब से प्रोसेस करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अभी इसको कैंसिल कर देता हूँ और मैं टूल्स पे जाता हूँ। ये जो सेकंड आइकन है, ये टूल्स का आइकन है, तो अभी मैं सेकंड आइकन पे जाता हूँ। आप देखते हैं कि बहुत सारे टूल्स हैं, इसमें से कुछ आइकॉन्स जो है कह सकते हैं कि वो भी एक तरह के प्रीसेट्स हैं या पिक्चर स्टाइल्स हैं, जैसे कि ब्लैक एंड वाइट हो गया, ग्रंज हो गया, रेट्रो लक्स हो गया, ग्रेनी फिल्म हो गया, विंटेज हो गया, या पोर्ट्रेट हो गया, ये सब ड्रामा हो गया, HDR स्केप हो गया। तो ये भी एक तरह की प्रीसेट है, लेकिन उसके अलावा ऊपर की तरफ जो आइकॉन्स है, ये टूल्स है, और इन टूल्स को यूज़ करके मैं कुछ बेसिक प्रोसेसिंग इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। आगे चलकर और भी वीडियो में पोस्ट करूँगा, जिसमें मैं आप सबको और भी एडवांस्ड प्रोसेसिंग टेक्निक्स बताऊँगा, पर फ़िलहाल आज के लिए कुछ बेसिक टेक्निक्स। तो सबसे पहले जो पहला आइकॉन है, ये है ट्यून इमेज, इस पे जाते हैं, और हम देखते हैं कि इसमें एक ब्राइटनेस आया है, लेकिन अगर हम अपने उंगली को टच करके ऊपर नीचे करते हैं तो और भी ऑप्शंस आ जाते हैं।
देखिए ये है ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, एम्बियंस, हाइलाइट्स, शेडोज और लास्ट में वार्म। तो ये क्या करते हैं, ब्राइटनेस से उसका देखिए फोटो का ओवरऑल एक्सपोजर घटता बढ़ता है। और तो चलिए इसका मैं थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाता हूँ और उसके नीचे है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट से कॉन्ट्रास्ट बढ़ता है। कॉन्ट्रास्ट क्या है, कॉन्ट्रास्ट दरअसल जब हम कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाते हैं तो डार्क एरियाज और डार्क हो जाते हैं और लाइट एरियाज और लाइट हो जाते हैं और ब्राइट एरियाज और ब्राइट हो जाते हैं। तो जब कॉन्ट्रास्ट घटाते हैं ठीक उसका उल्टा होता है, यानी कि जो डार्क एरियाज है उसमें डिटेल आ जाते हैं वो, और ओवरऑल जो है इमेज थोड़ा फ्लैट दिखने लगता है। तो फिलहाल इस इमेज के लिए मैं कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ाऊँगा। तो मुझे लगता है लगभग यहाँ तक सही रहेगा 42। कॉन्ट्रास्ट के नीचे आता है सैचुरेशन। इस इमेज में मैं सैचुरेशन थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। सैचुरेशन बढ़ाने से कलर के जो सैचुरेशन है वो बढ़ जाते हैं। तो इस इमेज के लिए मैं सैचुरेशन को काफ़ी बढ़ाऊँगा, करीब मुझे लगता है 67 तक सैचुरेशन सही रहेगा। और उसके नीचे आता है एम्बियंस। एम्बियंस जो है ओवरऑल एक कह सकते हैं कि ब्राइटनेस की तरह ही है, पर ये जो है हाईलाइट एरियाज़ को या ब्राइट एरियाज़ को उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, बल्कि शेडोज़ को इफेक्ट करता है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो उसके बाद आते हैं हाईलाइट्स पे। हाईलाइट्स को मैं और थोड़ा बढ़ाऊँगा, थोड़ा और ब्राइट कर दूँगा। हाईलाइट्स मतलब ये ब्राइट एरियाज़ जो है उसको हाईलाइट्स बोलते हैं। इसको जब हम बढ़ाते हैं तो ब्राइट एरियाज़ और ब्राइट होते हैं, और जब घटाते हैं तो ब्राइट एरियाज़ थोड़ा डार्क हो जाते हैं। तो इस फोटो के लिए मैं ब्राइट एरियाज़ को थोड़ा सा बढ़ाऊँगा ज़रा सा। फिर हाईलाइट्स के नीचे आता है शेडोज़। शेडोज़ होता है जो डार्क एरियाज़ होते हैं फोटो को, फोटो में उसको कहते हैं शेडोज़। तो इस फोटो के लिए मैं शेडोज़ को थोड़ा घटाऊँगा। घटाने से क्या होता है, शेडोज़ और डार्क हो जाएगा। अगर आप बढ़ाते हैं देखिए शेडोज़ में डिटेल्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं डिटेल अभी चाहता नहीं हूँ। मैं इस फोटो को एक सिल्वेट का रूप देना चाहता हूँ, तो मैं शेडोज़ को थोड़ा सा घटाता हूँ ताकि और डार्क हो जाए। अब से नीचे आता है वार्म्थ। चूँकि ये सुबह का वक्त था तो वार्म्थ में मैं कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूँगा, हल्का सा बढ़ा सकता हूँ बट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा। तो अब इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये जो राइट बॉटम साइड में टिक है उस पर क्लिक करने से ओके हो जाएगा। ये ओके हो गया। मैं फिर से टूल्स में जाता हूँ और अब मैं डिटेल्स पे जो सेकंड आइकन है डिटेल्स उस पर क्लिक करता हूँ। और डिटेल्स में देखिए दो ऑप्शन है, स्ट्रक्चर और शार्पनिंग। तो स्ट्रक्चर जब हम बढ़ाते हैं तो थोड़ा डिटेल्स बढ़ता है। ये कह सकते हैं कि क्लैरिटी स्लाइडर जैसा है और माइक्रो कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाता है, और शार्पनिंग जो है एजेस को शार्पन करता है। तो मैं थोड़ा शार्पनिंग भी बढ़ाऊँगा और फिर मैं ओके कर देता हूँ। मैं फिर से टूल्स पे जाऊँगा और अब कर्व्स पे जाऊँगा। ये टोन कर्व है और टोन कर्व से हम बहुत अलग अलग तरह के प्रोसेसिंग, बहुत अलग तरह के इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह एक टोन कर्व यूज़ करके कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया जा सकता है। तो जैसे हम टोन कर्व पे कहीं पर टच करते हैं तो वहाँ एक पॉइंट क्रिएट हो जाता है। तो मैं बीच में टच करता हूँ, इस तरफ ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ एक टच करता हूँ। तो ऊपर का ये जो पोर्शन है ये हाईलाइट पोर्शन है, दिस रिप्रेजेंट्स द हाईलाइट्स, और ये जो नीचे का पोर्शन है ये शेडो वाले पोर्शन है। तो अगर हम इसको ऊपर नीचे करते हैं शेडो वाले पोर्शन को, तो आप देखिए शेडो डार्क है। उसी तरह ऊपर वाला पोर्शन को ऊपर नीचे करता हूँ तो हाइलाइट्स डार्क हो रहा है या लाइट हो रहा है। तो मैं हाइलाइट्स को हल्का सा बढ़ाऊँगा और डार्क को थोड़ा सा, शेडोज़ को थोड़ा सा नीचे करता हूँ। तो ये एक, इसे एस कर्व कहते हैं। एस कर्व की वजह से इसमें फोटो में ओवरऑल एक कॉन्ट्रास्ट आ जाता है। मैं ओके कर देता हूँ।
और वापस मैं ट्यून इमेज में जाता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे थोड़ा सा एम्बियंस बढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ तक सही है और अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इमेज है इसका जो फोरग्राउंड पोर्शन है वो कुछ ज़्यादा ही मैंने ले लिया है और वो कंपोजिशन में कुछ खास मदद नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये डिस्ट्रैक्टिंग हो रहा है, तो मैं वापस टूल्स में जाकर क्रॉप टूल में जाऊंगा और फ्री क्रॉप को चूज़ करूंगा, एकदम लेफ्ट साइड वाला, और इस जो फोरग्राउंड पोर्शन है इसको थोड़ा कम कर दूंगा। मुझे लगता है इससे कंपोजिशन में हेल्प होता है। आप चाहे तो फ्री टूल की जगह कुछ दूसरा फ्री क्रॉप की जगह कुछ दूसरा क्रॉप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3:2, 4:3, 5:4 वगैरह है, तो मैं इसमें 16:9 चूज़ कर सकता हूँ और इसमें जाके मैं ओके कर देता हूँ। तो ये 16:9 क्रॉप मुझे ज़्यादा इफ़ेक्टिव लग रहा है और इसलिए मैंने 16:9 क्रॉप चूज़ किया है। और मुझे लगता है ये बेसिक एडिटिंग था और अब फ़ोटो काफ़ी पहले से ज़्यादा बेहतर लग रहा है, थोड़ा पंची लग रहा है, एक सिल्वेट लुक आया है। तो अब देखिए ये है ओरिजिनल फ़ोटो जिसे हम प्रोसेस किए हैं और ये है उसका फाइनल लुक। तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद दिस लुक, मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा ये प्रोसेस हो गया है। तो मैं इसे अभी इसे एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो एक्सपोर्ट करने के लिए ये जो राइट साइड में एकदम लोअर साइड में जो आइकन है इस पर क्लिक करते हैं और इसमें चार अलग अलग चॉइस आते हैं। इसमें ऊपर का है शेयर, आप इसे डायरेक्टली किसी ऐप में शेयर कर सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ शेयर पे, तो ये अभी उस फोटो पे वो सारे सेटिंग्स डाल रहा है जो मैंने प्रोसेसिंग के वक्त डाले थे, वो सेटिंग्स अप्लाई किया जा रहा है। इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, सो प्लीज बेयर विद मी। तो इसमें सारे लिस्ट आ गए ऐप्स, तो आप कोई भी ऐप चूज़ करके चाहे इंस्टाग्राम चूज़ कर सकते हैं या व्हाट्सएप या फिर दूसरा कोई ऐप, किसी को भेजना है जीमेल से तो भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं कहीं पर भी इसे पोस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस सेव करना चाहता हूँ। तो मैं वापस जाऊँगा और शेयर यस। तो दोस्तों अभी इस फ़ोटो को सेव करने के लिए मुझे मैं बस इस पर क्लिक करूंगा सबसे नीचे वाला आइकॉन में और यहाँ एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करूंगा। यहाँ फोटोज फॉर प्रोसेसिंग जो फोल्डर है उसी में मैं सेव कर दूंगा। तो जैसे मैं सेव करता हूँ जो सारे सेटिंग्स मैंने किए थे वो सब अप्लाई कर देता है फ़ोटो पे और फ़ोटो को उस फोल्डर में सेव कर दिया जाता है। ये था ओरिजिनल फ़ोटो जिसे हम प्रोसेस करके इस तरह बना दिए हैं और मैं आगे भी बहुत सारे वीडियोस पोस्ट करने वाला हूं जिसमें मैं स्नैपसीड ऐप से कैसे और अलग अलग तरीके के प्रोसेसिंग किया जा सकता है और एडवांस प्रोसेसिंग किया जा सकता है उस बारे में बताता रहूंगा। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन है नीचे उसे ज़रूर क्लिक करिएगा। धन्यवाद।